तो फाइनली हम लोग बारलाचा पहुंच गए भाई। बारलाचा में बहुत तेज वाली स्नोफॉल हो रही है, तो जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि स्नो कपड़े भी गीले कर रही है। जब हम लोग नाइट में आए थे तो ये वाला व्यू थोड़ा सा मिस हो गया था, बट यार क्या प्यारा व्यू है। देखो यार आसमान में बादल वगैरह सब छाए हुए हैं, और हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही निकलने वाले थे लेकिन फिर भी एक घंटा लेट हो गया। हम लोग अभी 5:45 बज गए हैं, अब हम लोगों को 10 मिनट में निकलना है यहाँ से। ये लोग महाराष्ट्र से आए, ये लोग जा रहे हैं लेह की तरफ, ये भी लेह की तरफ जा रहे हैं। रात में थोड़ी बारिश हुई थी तो देखो ये सामान हमने खोला नहीं था लेकिन गीला हो गया है। ये भी देखो सीट गीले पड़े हैं, तो आई होप कि अंदर का सामान कुछ गीला ना हुआ हो। और फिलहाल तो टेंट में से सब सामान बाहर निकालते हैं और वापस से पैकिंग करते हैं, निकलते हैं। प्रकाश एक तो कहाँ गया पता ही नहीं, उसको मैंने भेजा था कि गर्म पानी लेके आओ, पता नहीं कहाँ चला गया गर्म पानी लेने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दारचा। तो कैसे हो आप लोग, आए हो आप सब ठीक होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज तो भाई तगड़ी वाली नींद आई थी, आते हो खूब अच्छे सोए, डायरेक्ट आँख खुली 5:30 बजे, वो मेरी आँख खुली, प्रकाश की तो खुली भी नहीं। ये प्रकाश गर्म पानी लेके आ गया है, हम लोग यहाँ से गर्म पानी भरेंगे। मैं माजा पी के सो रहा था रात। अच्छा, ये माजा पी के सो रहा था। देखो ये इतना ओवर स्मार्ट बनता तभी तो ओवर स्मार्ट बनना पड़ता फिर उसको, तेरी वजह से 2 किलोमीटर चलना पड़ा था। हाँ ठीक है, तो अभी तो फिलहाल पहले गर्म पानी पियेंगे, गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे क्योंकि यार पेट्रोल पड़ा हुआ बाहर एक्स्ट्रा लगेज में, तो उसको भी कैरी करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। गाड़ी थोड़ा पेट्रोल लेंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से, बिकॉज एक ही बैग पैक करना है हमको, एक बैग ही बांधना है यहाँ पे। जो हमने जगह दे रखी है वो जगह बांधा, बैग बांधा और सीधा निकले यहाँ से अपने लक्ष्य की तरफ ले। देखते होप करते ले पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते, लेकिन उम्मीद तो है कि पहुँच जाएंगे। आज तो बहुत जल्दी सामान पैक हो गया लेकिन फिर भी हालत की थोड़ी सी स्थिति खराब हो गई है। अब जा रहे चाय पियेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। वैसे आज सुबह उतनी ठंड लग नहीं रही जितनी रात में ठंड लग रही थी। जय श्री कृष्णा, त्रिनेत्र गणेश जी लगाना, एक प्रकार का विघ्न है। चलो भैया, तो फिलहाल तो हम लोगों ने कर दिया है दारचा के टेंट को बाय बाय। चलिए सर, मिलते हैं आगे, चलिए चलिए सर, बाय बाय। अभी हम लोग बारलाचा से लगभग 30 या 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज फर्स्ट पास जो पड़ेगा वो बारलाचा पड़ेगा। तो बारलाचा पे हमको आज तिरंगा फहराना है, बिकॉज उस दिन रह गया था क्योंकि उस दिन का बारलाचा पार हो गया हमें पता ही नहीं चला। और वो बंदे जो हमें पीछे मिले थे ना, वो हमें ओवरटेक करके निकल भी चुके वो कार वाले, जबकि वो हमसे बहुत लेट निकले थे कैंप से। एक्चुअली क्या है ना कि बाइक पर ठंड लगती है बहुत तेज वाली, तो आपको स्पीड लिमिट करके गाड़ी चलानी पड़ती है, लेकिन कार में क्या है स्टेयरिंग घुमाना, अंदर हीटर चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। और यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आ गई है, इस ऑफ रोडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है गाड़ी में कि जब टेक पे गाड़ी चढ़ती है ना तो पूरा लोड गाड़ी का पीछे आ जाता है, और गाड़ी आगे तो पूरी हल्की हो जाती है, बुलेट जैसी गाड़ी भी लहराने लग जाती है। पूरी ऑफ रोडिंग है, देखो पूरी भयंकर वाली ऑफ रोडिंग है। भाई एक तो ठंड इतनी भयंकर थी, ऊपर से है ना फोग लगा हुआ जो अलग ही वो अलग ही सारा इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन मजा आ रहा है। फिलहाल अभी हमने दीपक ताल पार किया है, अब पता नहीं दीपक ताल था या सूरज ताल था, दोनों में कंफ्यूज हूँ क्योंकि दीपक ताल और सूरज ताल बारलाचा से पहले आते हैं और बारलाचा आने वाला है। और ये आ गया है एक और पुल, क्योंकि भाई यहाँ पे तो पुल पर सिर्फ पुल का सिस्टम चलता है, हर जगह सिर्फ ब्रिज ही ब्रिज है क्योंकि नीचे तो बहुत सारी नदियाँ निकलती है, तो हर जगह सिर्फ ब्रिज ही ब्रिज है। और प्रकाश के जो हाथों में बहुत दर्दन लग रही है, तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने तकलीफ हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लॉगिंग में कम करूंगा, बिकॉज क्या है ना कि ठंड बहुत तगड़ी वाली भाई, सही में ठंड बहुत तगड़ी वाली है। आगे बहुत पूरा कोहरा लगा हुआ है, इतना भयंकर कोहरा है, देखो सामने दिख रहा हुआ कोहरा कितना भयंकर है। ठंड की तो बात ही मत पूछो, अब जल्दी जल्दी बारलाचा पहुंचना भाई, जैसे कृष्ण पार लगाना भाई। वापस से वही जिंग जिंग बार पे हम लोगों ने स्टॉप लिया और नाश्ता वास्ता कम्प्लीट सब हो गया,
हमने यहाँ पे नाश्ता भी कर लिया और एक एक डायमोक्स ले लिया दोनों ने, ताकि थोड़ी सी तकलीफ ना हो हमें। और ये देखो गधे ने हेलमेट कहाँ रख रखा, सच बता रहा हूँ ये तो फेंका यहाँ से हाथ पे। तू फेंका नहीं, तू पिटने के लायक है तू। ऐसे गाड़ी उतारते, ऐसे गाड़ी उतारते, गाड़ी इधर चलेगी। अरे गाड़ी इधर से नहीं पता। अब से अभी तो थोड़ा ड्राइवर चेंज हो भी कुछ, मेरे को क्या लग रही बहुत तगड़ी वाली ठंड। और भाई मेरे से ठंड अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैंने प्रकाश को दे दी गाड़ी चलाने के लिए। और वो थोड़ा सा, अरे भाई इधर जाना अपन को, तू पागल पागल हो गया क्या, नशा तो। भाई सच बता रहा हूँ मैंने पूरे रिस्क को गाड़ी दी है, बिकॉज मेरे को ठंड लग रही है। मैंने पूरे रिस्क को गाड़ी दी है, अगर मेरे को ठंड ना लगती तो मैं इसको गाड़ी नहीं देता। मुझे ठंड लग रही बहुत तेज वाली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ब्लॉगिंग करते टाइम है ना ये हाथ दुखने लग जाते बहुत भयंकर वाले यार, क्योंकि अभी इतनी सी भी एक्टिविटी करते हैं ना तो बहुत तेज वाली ठंड लगती है। अब यहाँ से है बारलाचा 21 किलोमीटर, अब हम बारलाचा मिलेंगे डायरेक्ट आपसे। हमने बहुत तगड़ा वाला फोग लगा हुआ, हेलमेट पे पूरा फोग फोग हो गया भाई। लेकिन फिलहाल तो गाड़ी प्रकाश चला रहा है, तो मैं थोड़ा पीछे आराम से बैठा हूँ, कम्फर्ट हो गए। अब बारलाचा तक प्रकाश चलाएगा, नहीं सर्जिकल प्रकाश चलाएगा, उसके बाद ही मैं गाड़ी चलाऊंगा। जब तक थोड़ी धूप नहीं आ रही तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। और मेरा रेड वाला टोपी नीचे गिर गया भाई रोडों पे, अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उसको लेके आ जाए शॉर्ट बार में जान, तो वैसे ना टोपी रखा है। और वहाँ पे जो फ्लोक है वो ऐसे खूबसूरती तो बढ़ा रहा है, लेकिन भाई सब बता रहा हूँ ठंड के चक्कर में लगा हमारे को हम ही जानते हैं। अभी हम लोग जिंग जिंग बार से निकले तो ठंड बहुत तेज हो गई थी भाई, तो थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह के लिए रुक गए थे। और यहाँ पे गर्म पानी वगैरह पी लिया, प्रकाश से रेनकोट पहन लिया, बिकॉज यहाँ पे ठंड हो रही है तगड़ी वाली और बारिश भी हो रही है। ये जो नीचे झील है इसे शायद सूरज ताल कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे दो झील है, सूरज ताल और दीपक ताल, तो उन दोनों में कन्फ्यूजन है। यहाँ पे जब पहले निकला हाँ वो दीपक ताल ही था, ये सूरज ताल है भाई। यहाँ पे बारिश ने तो बहुत हालत खराब कर दी है, वाइजर बिल्कुल फोग फोग हो जाता है, गाड़ी चलाने में इतनी तकलीफ हो रही है क्या बताऊँ। लेकिन प्रकाश चला रहा है तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैं रेस्ट पे हूँ। और ये हमारा राइट भाई लोग मस्त वाले एकदम रेस्ट कर रहे हैं सब भाई, सभी रुक रुक के ना नज़ारों का मजा भी लेते हैं और थोड़ा सा इसी बहाने रेस्ट मिल जाता है, ताकि क्या होना कि शरीर को भी थोड़ा आराम मिल जाए, क्योंकि भाई इस रास्ते पे गाड़ी चलाना बहुत रफ एंड टफ है। बारलाचा बस आता ही होगा, थोड़ी दूर होगा, मगर ये जो रोड है थोड़ा खराब हो गया, शायद बारिश के चक्कर में हो गया खराब, क्योंकि पिछली बार हम लोग आए थे ना 2-3 दिन पहले, तभी रोड इतना बुरी कंडीशन नहीं था। देखो अभी कितना बेकार रखा रोड, इसे कहते हैं किस्मत भाई, बर्फ गिर रही है यार, बर्फ गिर रही है। जा जोर से मत चिल्ला साला, सांस रुक जाइए, स्नो फॉल हो रही है, देखो क्या बात है, स्नो फॉल बिल्कुल ताजा ताजा स्नो फॉल, सामने देख के स्नो फॉल हो रही है यार, थोड़ी सी ठंड पड़ गई है। इंस्टाग्राम पर लाइव घंटा नेटवर्क नहीं आ रहा, स्नोफॉल हो रही है यार, किस्मत देखो हमारी, प्रकाश के कोर्ट में स्नो जम गई है बहुत भयंकर वाली। जिस चीज का भाई मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ, जिस चीज के लिए हमको वेट था वो हो गया भाई, स्नोफॉल हो रही है यार। अरे भाई जिंदगी में पहली बार मौका मिला स्नोफॉल देखने का, बहुत तगड़ा वाला सीन चल रहा है भाई, बर्फबारी देखने को मिल गई है, किस्मत में नहीं था बर्फबारी देखना, लेकिन देख लिया भाई। फिलहाल हम लोगों ने भरतपुर से निकल गए भाई, थोड़ा खाना वाना खाया, नाश्ता वास्ता किया, ज्यादा तो नहीं कुछ सैंडविच वगैरह खाइए, बाकी इधर का व्यू तो कितना प्यारा आ रहा है। देखो यार वो जो सामने कार जा रही है ना सियाज वाली, वो बंदे जयपुर के, उन्होंने कहा है कि कोई भी हेल्प चाहिए तो हमसे लेना, और हमने उनको सामने से कहा कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमसे लेना। गाड़ी नंबर देखो RJ45 है, जयपुर की गाड़ी है, थोड़ी सी यहाँ पे ऑफ रोडिंग है। तेरी तेरी क्या RJ 25 क्यों फिर अलग अलग कैसे है, वो भी जयपुर है, वो जयपुर है ना तेरी सर। ये एक मंदिर आ गया भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, सरजू की वादियों में एक बार फिर से स्वागत है।